दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे देश हैं और हर एक देश की खास संस्कृति और पहचान है। लेकिन जब भी प्राचीन संस्कृति का जिक्र होता है, वहाँ हमेशा भारतीय संस्कृति का नाम आदर और सम्मान से लिया जाता है और इसका कारण भी उतना ही तत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत की संस्कृति न केवल प्राचीन है बल्कि विशाल और महान भी है। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता हो, उस देश की संस्कृति में कुछ तो विशेष सामाजिक और नैतिक मूल्यों का मिश्रण अवश्य ही होगा, जिसका लोहा समूचे विश्व ने माना मानव उत्पत्ति और विकास के हर पहलू में अगर नजर डालें तो भारत की संस्कृति में उच्च विचार, आदर्श और विशेष मूल्यों को पहले से ही अपनाया गया है। दोस्तों, विश्व को हरदम अनूठा और सर्वश्रेष्ठ योगदान भारत ने ही दिया है। भारत के वेद, पुराण और शास्त्र प्राचीन और महान हैं, जिसमें मनुष्य के जीवन के मूल्यों, व्यवहार, परिवार और इसके साथ ही बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास किस प्रकार करना है, ये सब शिक्षाएं हमारे शास्त्रों में विस्तृत रूप से दी गई हैं। जीवन के 16 संस्कार भी हमारी भारतीय संस्कृति की ही देन। बिना संस्कृति और महान मूल्यों के मानव का जीवन अंधकारमय होता है। भारत सदियों से अपनी संस्कृति और विरासत के लिए विश्व धरातल पर जाना जाता है, परंतु वर्तमान समय में इस संबंध से हम कहीं पिछड़ते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में आए कुछ अहितकारी बदलाव इसका स्पष्ट संकेत है। भारतीय समाज में समग्र वसुधा को अपना परिवार माना है, परंतु वर्तमान समय में विश्व तो दूर सामूहिक परिवार में ही कलह देखने को मिल रहे हैं। क्षेत्र, राज्य और समुदाय के नाम पर हुए बंटवारे ने हमारे भारत को कहीं बांट दिया है। अनेकता में एकता, विश्व विख्यात भारत आज धर्म के नाम पर ही विभाजित प्रतीत हो रहा है। जबकि कबीर दास जी ने कहा था कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां हिंदू और मुस्लिम एक घाट में पानी भरते हैं और मेरा इस राष्ट्र में जन्म लेना सौभाग्य की बात है। होली, ईद, दिवाली या रमजान ही क्यों ना हो, जहां सारे भारतीय एक थे। त्योहार किसी एक समुदाय का ना होकर पूरे राष्ट्र का था, लेकिन आज विडंबना यह है कि धर्म के नाम पर संप्रदाय दंगे फैलाए जा रहे हैं, निर्दोषों की जाने जा रही हैं। हिंदी भाषा के कारण विश्व धरातल पर पहचान प्राप्त करने वाले भारतीय ही आज हिंदी बोलने में ही कतराते हैं। रामायण और गीता हमारे धार्मिक ग्रंथ कुछ ही घरों में देखने को मिलते हैं। संस्कृत अब कुछ ही गिने चुने स्थानों में समझी और बोली जाती है। अब गांव में भी चौपालों पर बुजुर्गों की भीड़ कहीं ओझल सी हो गई है। पैर छूकर आशीर्वाद लेने वाली वो रीत कहीं खो सी गई है। अहिंसा परमो धर्म के भाव वाले इस राष्ट्र में विगत कुछ वर्षों में हुई हिंसा के कारण समग्र विश्व को ये सोचने में विवश कर दिया है कि ये वही देश है जहां गांधी जी जैसे शांतिप्रिय दूत ने अहिंसा का संदेश दिया था। बेशक आज योग को विश्व धरातल पर लाकर भारत ने ये साबित कर दिया है कि भारत आज भी विश्व गुरु है। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव अमर रही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति स्वयं में संपूर्ण को समेटे हुए है। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति का हमेशा सम्मान करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी
अपनी संस्कृति का सम्मान कर सके और उसकी महानता के बारे में समझ सके। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।